आज सुबह सुबह सूर्य उदय नहीं हुआ, उसके पहले हम आज वीडिंग से शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर वीडिंग करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, ट्रायल डालना होंगे। या ये मिर्च मिर्च ग्रोथ आ रहा है, ये पहले रुका हुआ था, नर्सरी से आया पौधा, अब चलने लगा है, चल जाएगा ये 15 दिन में, अच्छा बढ़ जाएगा ये प्लाट, अच्छा हो जाएगा 10 बजे बाद, ठीक है ना। अब ये इस तरह की है, और देखिए ये सिचुएशन, सबसे ज़्यादा फ्लावर ही आपका दिख रहा है सिर्फ, बाकी ये फ्लावर भी बड़ा दिख रहा है, बाकी शिमला मिर्च बेटी भी ये निकल जाएगा शिमला मिर्च का, लेकिन बाकी टमाटर भी, टमाटर लगा दिया, टमाटर कवर कर लेगा ये, अच्छा दिखेगा महीने के बाद। ये हम चल रहे हैं पौधे कलेक्ट करने के लिए, और ये पौधा हमारा ये हो गए हमारे 4 पौधे, और इनको हम करेंगे ट्रांसप्लांटिंग अपना फ्लावर टमाटर में, और वहाँ पर हम इनसे माइट से डायग्नोसिस करते रहेंगे, तो दोनों काम होते हैं। यहाँ पर हमारा चल रहा है वहाँ पौधे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, 1 2 3 जिनके और आएगा उसका हम इस पर सॉल्यूशन चलाएंगे, इसको कर देते हैं थोड़ा सा, इसको लगा देते हैं यहाँ जिधर स्पेस है उधर ही लगा, ये लग जाएगा यहाँ, आप इसमें जैसे इसको बताया बाहर करने की कोशिश करेगा तो मेरी भी होगा, ये तो हम लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे और चल रही है यहाँ, ठीक है, इसमें आएगी लौकी भी थे, इसमें भी है लौकी आएगी, ये लग गया हमारे यहाँ। और इन्हें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन साथ में आपका जिंक, इसकी ट्रेंचिंग कर देंगे क्रॉप पर, नाइट्रोजन और जिंक की, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। साहो और ऋषि का दोनों साथ में लगे, पर इसका भी अच्छा ग्रोथ है इस साहो से, क्योंकि ये डलने लग गया, और ये है ऋषि का आपका 2 जनरेशन, कि नहीं, इसको देखते रहते हैं।
रेस्ट कर लिया जाए थोड़ा सा, फिर और कुछ देखते हैं वर्कम ट्रायल के हैं उसके बाद और कुछ देखते हैं। तो इसका यह है कि मेरी लाइफ में पहली बार इतना काम कर रहा हूँ और ये लास्ट टाइम है। ठीक है, मैं 6 बजे सुबह उठते हैं, 5 बजे तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक ही पर्सन बहुत कुछ कर सकता है जीने से अलावा भी, 2-3 जन्म का, 2-3 पीढ़ी का कह सकते हैं वर्क। अगर 5 बजे उठता है वो, 4-5 बजे, 6 बजे से उसकी वर्किंग स्टार्ट कर लेता है, शाम के 6 से 7 बजे तक 12 घंटे करता है, 12 आवर, तो 4 टाइम वो जनरेट करता है कुछ भी मिनिमम, मतलब वर्क से। अगर इंटेलिजेंस से करें तो 4 का 40 भी होता है, 400% भी हो सकता है, 400 पीढ़ी का भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि क्या करता है, पॉपुलेशन अगर बढ़ती है, पॉपुलेशन ग्रोथ अगर रुक जाती है, नीचे डाउन जाने लग जाती है, फिर इस किए हुए काम का आगे जाके महत्व नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आज ज़्यादा मेहनत की तो इसका परिणाम आगे कुछ नहीं निकलना। अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, डिमांड नहीं बढ़ती है, या सब अमीर हो जाते हैं और सबके संसाधन पूरे हो जाते हैं, उस दिन सिचुएशन पॉपुलेशन घट भी रही, उनके पास संसाधन नहीं और सिचुएशन नहीं आती, तब तक रहेगा आज के काम का वैल्यू, तब तक रहेगा जब तक कि डिमांड बनी रहेगी। और डिमांड कब खत्म होगी, जब सबके पास संसाधन हो जाएंगे, सबके पास गाड़ी हो जाएगी, सबके पास मकान हो जाएगा, सबके पास हो जाएगा, तो उसके बाद डिमांड खत्म हो जाएगी और जो आज काम किया जा रहा है ज़्यादा उसका मूल्य आगे नहीं रहेगा। तो उसका मूल्य तभी तक रहेगा जब तक कि आपका बोले कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो संसाधनों की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही तो कम से कम डिमांड बनी हुई है, तब तक ये दुनिया में जो आज काम किया गया उसकी वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। नहीं तो आगे जाके जब सिचुएशन हो जाए उसके बाद घटेगा तो वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। तो उतना ही काम करेंगे उसके बाद करना उचित रहेगा जितना आपको ज़रूरत है डेली का। ठीक है ना, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उस दिन खत्म कर लेना चाहिए। अभी तो है पर ये भी बहुत ज़्यादा समय की, तो ज़्यादा इकट्ठा करने की सोचे नहीं, जो है उसका उपयोग करें। क्या करने वाले हैं, ये ट्रायल लगाने वाले हैं अलग अलग उसके, तो उसका हम यहाँ पर पेपर चुका देंगे सबसे, ताकि हमें बाद में याद रहे, याद भूल जाते हैं तो इस पर रहेगा उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ से लेंगे हम इस ट्रायल शॉप से, जाते हैं काट लेते हैं, लगा लेंगे ट्रायल है वहाँ पर पूरा, तो पहले पहला आ रहा DAP। ठीक है, पहला हम लगाएंगे यहाँ पर DAP, दूसरा लगाएंगे 0.34। और ये पहला है हमारा
डीएपी का दूसरा 0,52,34, तीसरा है आपका यूरिया, चौथा है आपका मैनोर एक्स्ट्रा प्लस डीएपी, और फिर मैनोर एक्स्ट्रेट, और फिर सल्फर और जिंक आयरन तीनों हैं, और कैल्शियम सल्फर, ठीक है। और ये है ओनली जिंक और आयरन दोनों का है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन। और इसमें आ जाएगा ईसाबियान, कि नहीं ईसाबियान क्या करता है। ये भी टूटना ही था, मतलब ये टूट गया। देखिए ये सारी चीज़ें बड़ी समस्या होती है, ये होता ऐसे है। तीन होते हैं इसमें, एक ये और ये वाला टूट गया, ये वाला। जब आप काम बहुत दिनों बाद करोगे तो बहुत समस्याएं, जितनी नहीं है नया करोगे वहाँ तक ठीक है, पर किसी काम को पुराने तरीके से फिर से करना फिर बड़ी तकलीफ होती है।
अब इसको ऐसे और कैसे करें यार, तो ऐसे कर दो और क्या कर, तो ऐसे अब लगाते समय तकलीफ आएगी। ये तो सिलाई हो, यहाँ पिन कर दो, पिन पिन मार देते हैं, ठीक है ऐसे हो जाएगा। राइट।